हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मैं निकल चुका हूँ, क्या कहते हैं, मैं थोड़ा लेट हूँ। मेरी सुबह की मीटिंग है मेरे करियर एडवाइजर के साथ, और आज है भाई नॉर्थ ईस्टर्न का फाउंडर्स डे। तो लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस कि फाउंडर्स डे होता क्या है। पहले रुक जाओ, ये बंदा कोई रोक नहीं रहा गाड़ी, भाई भगा रहे हैं। तो ऐसा है, आज फाउंडर्स डे है, बाकी मैं निकल गया हूँ, लेट हो गया हूँ। ब्रेकफास्ट करा नहीं है मैंने, इसलिए भाई ये मेरा ब्रेकफास्ट है, ये ड्राई फ्रूट्स। तो भाई एक ही थैले में मैंने ये सब जिप बैग में डाल दिया, सब कुछ यही खाऊंगा। इसी से टाइम निकालना मेरे को, क्योंकि भाई टाइम नहीं मिला, घर वाला कम्फर्ट नहीं है, आपकी मम्मी बना दे। तो 10-15 में पहुंचना है, इट्स ऑलरेडी 9:38। सनी डे है आज, मतलब धूप की वजह से ठंडी लग रही है। वैसे अगर थोड़ी सी विंडी वेदर हो जाए ना तो ठंड लग जाएगी। तो भाई अब क्या है, फाउंडर्स डे है आज, मतलब कि 125th ईयर हो गए हैं अपनी नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी को। 1898 में कहानी चालू हुई थी, और आज 2023 हो रहा है, तो हो गए हैं पूरे 125 साल यूनिवर्सिटी को। एक तरह से हमें बोल सकते हो, मतलब नॉट अस, मतलब शायद पिछले साल वाले जो इस साल पास आउट हो रहे हैं ना बच्चे, उनको बोल सकते हो तुम क्लास ऑफ 125, ऐसा कह सकते हो। मतलब बहुत स्पेशल है एक तरीके से वो। मुझे नहीं पता अगले साल 126 सेलिब्रेट होगा नहीं होगा, 125 स्पेशल होता है शायद, वही वाली लॉजिक अपने आगे चलती है, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ये सब सब सब, इसलिए दे आर सेलिब्रेटिंग। देखो भाई, मेरी दादी जैसी उम्र की डॉगी घुमा रही है। मेरी दादी तो बढ़िया मूंगफलियां छीलती है भाई, घर पे बैठ के मस्त ऐश करो, यहाँ पर नहीं है आराम। खुदे पीछे देख रहा है वो व्लॉग करते हुए। ये मेरे को बहुत बड़ा बेस्ट पार्ट लगता है भाई, हिंदी में बोलते रहो, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, चिल मारो। और जजमेंट तो भाई जीरो है यहाँ पर, सच्चे मेरे को इंडिया में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, मेरे को मेल आ गया भाई उसी वक्त कि 11:30 से एक्टिविटी शुरू है। तो मेरी जो मीटिंग है वो 10:45 से 11:15 है, और 11:30 शुरू है वो एक्टिविटीज, और उसके 15 मिनट बाद मेरी क्लासेस है। तो मैं तुम्हें कैप्चर कर सकता हूँ कि बिफोर और आफ्टर दोनों दिखा दूंगा, बिफोर 15 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स क्या हो रहा है, ठीक है, ये तो मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। तो चिंता मत करो, सब कैप्चर कर लिया तुम्हारे भाई ने एक तरीके से। ऐसे निकल रहा है भाई, तुम्हें मेरा ब्रेकफास्ट तो देख ही लिया होगा, बहुत भूख लग रही है यार, ना दूध पी कर आया ना कुछ। मम्मी सही में भाई, घर वालों का होना बहुत जरूरी है। तो हम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी, बस अगले 2-3 मिनट में थोड़ी सी झलक तो दे देता हूँ अपनी मीटिंग से पहले कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ओ भाई थक चुका हूँ, ऐसा कर रखा है 11 से 6 बजे तक चलेगा ये सब। देखो दिखाता हूँ, अभी भाई कर ही रहे हैं काम, हम लग रहा है अभी काम चल रहा है। हाय भाई, ये देखो चल रहा है, डीजे वीजे लग रहा है, सेटअप हो रहा है भाई। तो भाई मीटिंग हुई खत्म, 11:24 हो रहे हैं, अभी मेरी 20 मिनट में क्लास स्टार्ट है। अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ बुक स्टोर, यहाँ पर मर्चेंडाइज लेने हो तो अपने नॉर्थ ईस्टर्न के ऑफिशियल यहाँ से ले सकते हैं। अंडर आर्मर ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके बनाए हुए हैं, तो थोड़े महंगे होंगे, मैं देख लेता हूँ। जैसे शर्ट टाइप है भाई, कितने की? $65 महंगी है वैसे, मतलब अब अंडर आर्मर की है तो मैं ब्रांड के नाम पर दे सकता हूँ। ये देखो, तो ये काफी बढ़िया लग रही है मेरे को, तो नॉर्थ ईस्टर्न के लोग पहनते भी हैं, मतलब क्वालिटी इज गुड है ना। एंड दिस इज कॉल्ड $65, मतलब यहाँ पर इतनी की मिलेंगी सबको। अगर मैं टी शर्ट देखूँ तो $30 की, वैसे $30 इज नॉट वर्थ, $30 वर्थ इट नहीं है आई डोंट थिंक, है ना। बाकी मर्चेंटाइज आप देख सकते हो भाई, क्या बढ़िया बढ़िया है। ये हमारे हस्कीज, हस्कीज हमारा मतलब एक तरह से मैंने बताया था ना, स्पिरिट एनिमल है ना, हर यहाँ बॉस्टन में हर कॉलेज का एक स्पिरिट एनिमल होता है, हमारा हस्की है। और देखो शॉर्ट्स, सॉक्स, दिस रेड सॉक्स, रेड सॉक्स यहाँ की टीम है एक बढ़िया। हमने अपने यहाँ पर भाई फ्रेम्स कितने के ले लिए होंगे, अच्छे से अच्छे, बहुत अच्छे ले लिए होंगे, शादियों में फ्रेम बनवा लेते हैं, सब बनवा लेते हैं। यहाँ पर भाई फ्रेम दिखा दो, कितना महंगा है, मतलब कि बहुत ज्यादा महंगा है यार, मतलब कि कुछ ज्यादा ही इन्फ्लेट करा हुआ है प्राइस यहाँ पर बुक स्टोर पर। यू कैन सी दिस इज अ फ्रेम, ये फ्रेम है, और ये देखो 225 का है, 285 का ये वाला फ्रेम, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ से अगर कोई बंदा ले रहा है सच्ची में भाई बहुत अमीर है वो, अमीर नहीं वैसे बोलूंगा। तो भाई व्हाट आई रियलाइज कि महंगा बहुत ज्यादा है एक बार, मुझे नहीं लगता भाई अमेरिकन के लिए थोड़ा बहुत सही होगा, इनके लिए रीजनेबल रेट्स होंगे, हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा महंगा है भाई। ये कैब्स वगैरह, छोटी छोटी कैब भी अगर मैं देखूँ तो यार ये $30 की है, मतलब $30 ठीक है, मैं बोलूँ ब्रांड के साथ है ठीक है यार, मतलब अपने आप ही मिल जाती है 2500 सबकी, मतलब कन्वर्जन को मारो गोल, लेकिन फिर भी यार मैं नहीं दूंगा इसकी, मतलब क्वालिटी वो वाली नहीं है कि मैं $30 दे दूंगा। वो फ्रेम $300 तक का था ऑलमोस्ट, मतलब मैं इतना महंगा क्यों ही लूंगा, फिर तो मैं तो थोड़ा बावड़ा हूँ मैं, मतलब फिर तो मैं दिल्ली का नहीं, फिर तो दिल्ली के नाम पे कलंक हूँ भाई। ये देखो ग्लासेस है इनके, ये मुख है ना, ये देखो। निकलते हैं यहाँ से, 15 मिनट बचे हैं बस क्लास स्टार्ट होने के, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, काफी महंगा था, हो गया भाई अपना, कोई यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं था, एम ही है भाई। ये तो बुक स्टोर क्या, ये तो लुटेरा स्टोर बोलो, लुटेरा स्टोर, ऐसे बतेरे लुट गए हैं। तो भाई यहाँ पे फ्री का खाना मिल रहा है मेरे को लग रहा है, क्योंकि सबके यहाँ पे मफिन है, दिखाता हूँ भाई तुम्हें, ये देखो।
pretty big deal, don't you think, President Aoun? So now we want to see some moves. Bring more white cream muffins, please. भाई फ्री गुडीज का तो पता नहीं, फ्री मफिन जरूर मिल गए, दो दो उठा लिए तुम्हारे भाई ने। इनॉग्रेशन तो हो गया इन लोग का। भाई इनॉग्रेशन भी हो गया, फ्री मफिन भी ले लिए हैं, हस्की के साथ हमने फोटो भी और वीडियो भी बनवा लिया। नाउ आई एम गोइंग टू क्लास, 11:45 की क्लास है, बस अब वो अटेंड करके फिर आई विल बी फ्री। फिर 15-20 मिनट यहाँ पर रहूँगा, उसके बाद आई विल गो बैक होम एंड डू माई असाइनमेंट्स। बहुत ज़्यादा असाइनमेंट पेंडिंग है भाई। भाई यहाँ तो कहाँ कहीं भी कुछ भी हो रहा है, देखो भाई। Is it like play and win? तो भाई जो तुमने अभी वीडियो में देखा वो क्या था, उसमें एक गेम बना रखी है, यानी कौन सी गेम है मैं देखूंगा। उसमें कुछ पॉइंट्स तुमने स्कोर करा था तो उसके बेसिस पे तुम्हें फ्री टी शर्ट्स वगैरह मिल रही है, आई गेस ऐसी कुछ है। काफी लोग कुछ भी ले रहे हैं, टी शर्ट्स भी है और साथ में थोड़ा छोटा सा हस्की है, ये सब सॉफ्ट टॉय टाइप। तो भाई कट चुका है, वो जो गेम खेली थी उसके जितने भी प्राइजेस थे वो सारे के सारे निकल लिए और उन्होंने एंड में दिए बेकार से प्राइस। अच्छा ये वाली गेम है जो पार्टी, भाई ये दूसरी गेम है, ये भी खेल सकते थे, इससे कुछ मिलता लेकिन हाँ कोई फायदा नहीं है। वेजिटेरियन पिज्जा, वेजिटेरियन है। यू नो इफ यू ट्राई टू ओपन दिस डोर देयर इज अ डिस्प्ले इन इट। There was this movie Monster. Have you watched it? No. There was this movie. What happens that monster opens the door and they enter the world of humans and scare the humans. They're getting something. I think this is free food. Bro, don't say. Was it here? It was here. That's Ruggles. That's okay. I always come here. Oh. Okay, so it's where the photo shoot was. Okay. Is it just for today? Yes, yes. How do you guys know that it's here? Because they sent a mail. You did not receive it? No, I don't get any mails. You guys always say that you get mails, but I don't. Are you part of Northeastern community? Maybe I studied in Harvard, who knows? Bhai sahab kuch zyada nahi ho gaya. I'm sneaking in. Oh bhai, ye 25 year. Hame lag raha hai DJ DJ batayenge, DJ DJ hai hi nahi inke paas. Chale Prashant Mia, chalo bhai, kaun ka assignment bhi karna hai. Fail ho jayenge. Bhai tumhe dikhata hu inhone ye bridge pe kya badhiya sa bana rakha hai, ye dekho. After a few years, we will be history. अरे कहना क्या चाहते हो? Be in these posters. Okay, okay. Not. This building is the most beautiful building from outside as well, from inside as well. Most beautiful. Oh, तो भाई लाइक क्या कहते हैं, Founders Day तो होना तो हो गया, but we are also dead. Here is Prashant. Doing assignment. Russell. I'm going crazy. अगर हमने दो घंटे में कब हाँ exactly and this is first of many things, you know, this kind of assignments like more yet to come, so I'm so scared. Oh my god, like today is Northeastern's birthday, we are supposed to celebrate it, but yeah, no exactly. We are not celebrating it, we are doing assignments. But at least I got t-shirt, guys. We all got a t-shirt. Hell Northeastern. But back to assignment, no time for this. Okay, so we'll continue our vlog later on. Currently we are doing our assignment, it will take us, we have only what take us, we have to complete it in 2 hours. Few moments later, this is a meeting. We have one more assignment. It's a break because we are still yet to finish the assignments, but we are moving to Isnel because the guy kicked us out. 10:30. We have only 1.5 hours left. And by the way, I'm very happy today because I moved to a new place, so I can stay for the whole night. I'm so relieved.
bites. What is this? Run. I don't care. Even if there is a storm, I don't care. One eternity later. So guys, after that video, I'm here with Prashant and Vissal again. Before we end this vlog, I just want to capture some moments with Vissal and Prashant, and they will share some insights on how their exam went. Please, Vissal, share how your exam went and did I ditch you? We planned something. We planned to go to Domino's that day. Yeah. Whatever. Share everything. Really, you know, like everything was messed up because that vlog is the after that vlog. Like after we shot that vlog, we have had more, even more. You know, like we have been stressed ever since that vlog. So I don't know. Assignments are going good. I'm stressed because we're still working. Prashant is there. Behind the camera, and I'm here. We're stressed. Always the same three guys hanging out together just for the assignment. Exactly. And see, the thing is that we need to do assignments. Yeah. And we do this now. See, we're doing this instead of doing assignments. I don't know. So, and we tell ourselves. Devraj is utilizing us in order to create his exactly. content. Now we're using our precious time. For doing the assignment. And now I'm asking him, Hemraj, for the cut of his profit from the YouTube AdSense. Because we have been a big part of this. Tarika hai bheek mangne ka? But yeah, but jokes about assignments are going crazy. Yeah. I don't know, maybe it's our mental thing, but like assignments where it's manageable by now, till now, but like it's going crazy. That's it, yeah. Guys, thank you for watching. It's yet not manageable. Yeah. I would say it's not yet manageable. We are just surviving through all these assignments. One more thing, guys. After that night, I went home and slept. We made a plan to go to Domino's and had this dinner. This guy just does, okay? I'm out of it, bro. 50 rupees cut overacting. This guy showed us so much high hopes that, okay, we're going to go to Domino's and we'll have something to eat because we were starving for the whole day, right? Yeah, and see, okay, I'll say something. The assignment due was in 11:59, right? At the midnight. So this guy left at 11:50, yeah? Right? 10 minutes before assignment due, he left. And he said that, "Achha, chalo guys, I'm going." And we were like, "What about Domino's? We didn't have anything." And this guy, Dihi and Prashant and me were stranded throughout the night. We didn't sleep. We slept inside the class. Have you watched that Raju Rastogi wala video, 3 idiots? Vroom, vroom. We wake up next morning, the same class, professor entered the class. We woke up inside the class and professor entered and we woke up and we were like, "Ready, sir, vroom, vroom." Also, we had an exam that day. How it went? Mine went well. always good. Mine went decent. I'm happy. I'm not complaining because it was an open-ended exam. But we have to be like they were right and wrong question based on the professor's opinion. Hard to get scores on this. Let me also tell you how we performed. As we all three are here, so. Mm-hmm. I stand at the lower brisk, he stands at the upper brisk. No, he's the median in the middle. It's just looking like a pendulum. Kabhi idhar, to kabhi udhar. Thank you guys for being a part of my vlog. Thank you guys for watching my vlog. So, next vlog ke saath phir se aate hain, milte hain. Bye bye, tata. You're gonna see the same. Do like, share, and subscribe, and comment on my videos. Bye. You're gonna see us soon in the next video.